रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। कटिहार में छपरा से आकर बिंद समाज के लोग महापर्व छठ के मौके पर डारा तैयार करने का काम करते हैं। दरअसल इन लोगों के पूर्वज भी पुश्तैनी रूप से छपरा से कटिहार आकर डाला बनाने का काम छठ पूजा के लिए करते थे। इसी परंपरा को निभाते हुए अब भी वहां के लगभग एक दर्जन लोग दशहरा के बाद से छठ पूजा तक कटिहार आकर डाला निर्माण कार्य करते हैं। नाका नंबर 2 डहरिया के इस फील्ड में रहकर यह लोग डाला निर्माण का कार्य कर रहे हैं। वर्षों से परंपरा निभाते हुए आज भी अपने पूर्वजों की परंपरा निभाते हुए छपरा से कटिहार पहुंचकर वहां के डाला निर्माण का कार्य कर छठ से पहल चले जाते हैं। इस दौरान इन लोगों के द्वारा निर्माण कार्य डाला का कटिहार में खास डिमांड होने के कारण उन लोगों को मुनाफा भी ठीक ठाक हो जाता है। अपनी जाति का हवाला देते हुए यह लोग कहते हैं कि वह लोग सिर्फ डाला निर्माण करते हैं, सूप नहीं तैयार करते। कटिहार में महापर्व के मौके पर अपने पूर्वजों के अनोखे परंपरा को निभाते हुए इस बार भी हवाई अड्डा नाका नंबर 2 के इस मैदान में लगभग एक दर्जन लोग आकर यहीं रहकर डाला निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अपने पूर्वजों के परंपरा को निभाते हुए डाला निर्माण के लिए आए लोगों से और स्थानीय लोगों से महापर्व छठ की छठा पर उनसे बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। छपरा से आते हैं जी हाँ, और कब आते हैं और क्या कहानी है? कहानी यही है कि छठ जब भी आता है छठ व्रत, तो उस समय के लिए हम लोग स्पेशल आ जाते हैं और डाला वाला बनाते हैं। हर तरह का, हर वैरायटी का यहाँ पे डाला मिलता है, मजबूत मिलता है और अच्छे ही रेट में मिल जाते हैं। तो वहाँ से यहाँ आते हैं डाला बनाने के लिए, क्या जी कहानी? हमारे पूर्वज भी यहाँ से पहले से ही आते हैं, इसीलिए हम भी आते हैं। कितने पहले से आ रहे हैं? लगभग 20 साल पहले से पूर्वज लगातार जी जी हाँ कंटिन्यू आते हैं। आप लोग सिर्फ डाला ही बनाते हैं? हाँ, स्पेशल डाला ही बनाते हैं। सूप क्यों नहीं बनाते? नहीं, हम लोग सूप बनाने का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग बिंद जाति से है, इसलिए हम लोग सूप नहीं बनाते हैं। कितना लोग आए हैं यहाँ पर? लगभग 12 आदमी है, कम आ रहे हैं। इस साल कम आए हैं, पिछला साल ज़्यादा आए थे। हर साल ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन इस साल कम आए हैं लोग। रहते खाते सब भी अपना निजी खाते कमाते हैं लोग। रिटेल में बेचते हैं, होलसेलर? नहीं, हर तरह से बेचते हैं हम लोग। क्या नाम? रविंद्र कुमार नाम हुआ। नहीं, आप लोग छपरा से आके यहाँ डाला बना? हमारे पूर्वज लोग यहाँ आते हैं पहले से। अच्छा, तो हम लोग भी आए हैं। तो कितना साल से लगभग आते हैं? 20-30 साल से। तो आप लोग कितने लोग आए हैं? लोग आए हैं 13। एक ही जाति से हैं आप? हाँ, एक ही जाति से। आप लोग सूप नहीं बनाते हैं? नहीं, हम लोग सूप नहीं बनाते। सूप नहीं बनाते, खाली डाला बनाते। खाली डाला बनाते। बेचते कहाँ है ये? यहीं पे बेचते हैं, यहीं पर होलसेलर के पास, की रिटेलर के पास? ये यहीं ग्राहक यहीं आके ले जाते हैं। क्या होता है छपरा में, और पूरा साल भर क्या काम करते हैं? छपरा में काम करते हैं, बाहर भी रहते हैं, प्रदेश में। हाँ, और घर पे रहते हैं तो यही बनाते हैं। ये खाली आप लोग इसी माने छठे पर्व में बनाते हैं? नहीं, ये सालों भर बनता है। सालों भर बनता है। हाँ। सूप क्यों नहीं बनाते हैं? सूप हम लोग बनाते हैं। वो आप लोग का इसमें नहीं? कौन इससे है आप लोग? बिंदा अलग कहानी है, अलग तरह। क्या आप लोग स्थानीय लोग क्या जानते हैं जी? ये लोग हम जब से देख रहे हैं, हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं। ये लोग छपरा सिवान से आते हैं, हर साल आते हैं, दुर्गा पूजा से पहले आते हैं और छठ पूजा के कुछ दिन पहले तक ये लोग रहते हैं और डाला भव्य तरीका से बनाते हैं, जो कटिहार के विभिन्न जगहों पर ये लोग का डाला जाता है। और छठ व्रती इन लोग का डाला को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। इन लोग का बनाने का जो तरीका है वो भी कुछ खास है इसीलिए। और ये लोग एक तरह से छठ पूजा को बहुत अपने अच्छे से करने के लिए आते हैं। सूप नहीं बनाते? नहीं, सूप ये लोग नहीं बनाते, सिर्फ डाला को बनाते हैं। डाला ये लोग होलसेलर और रिटेलर दोनों बेचते हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।